चैप्टर 3 क्लास 10th, ये थोड़ी एक ब्रीफ वीडियो है, इसको ध्यान से फटाफट से देख लेना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है। मेटल्स क्या होती हैं? जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, जैसे सोडियम था इसका 281 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ बन गया, 28 तो मेटल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चमक होती है, हार्ड होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और सोनोरस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा शाइन किसकी होती है, अगर शाइन की बात करूँ तो गोल्ड की एंड सिल्वर की। हार्ड सबसे ज़्यादा आयरन होती है। डक्टाइल सबसे ज़्यादा, मोस्ट डक्टाइल जो है वो गोल्ड होता है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तार बन सकती है। आपकी बुक में ही लिखा हुआ सब कुछ। ये देखिए, जनरली हार्ड है आयरन। मेटल्स दैट कैन बी बिटन इन टू द शीट्स, मेलिएबल बोलते हैं जो शीट्स में चेंज हो सकती है, मोस्ट मेलिएबल हैं गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद डक्टाइल में एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स बन सकती हैं, तो यहाँ लिखा हुआ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। उसके बाद एक्टिविटी है ये वाली, एल्युमिनियम के एक वायर ली, उस पर ना वैक्स की हेल्प से कील लगा दी है यहाँ पर। जब फ्री एंड से उसको यहाँ से हीट किया तो पहले ये कील गिरेगा, ये इट मीन्स कि ये खुशी शो कर रहा है कि मेटल जो है कंडक्ट करती हैं हीट को, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर हैं सिल्वर एंड कॉपर, याद रखना सिल्वर कॉपर, और पुअर कंडक्टर कौन सी है, लेड एंड मर्करी, ओके। मेटल जो है कंडक्ट करती हैं आपको पता है, लेकिन मेटल को डायरेक्ट तो नहीं हम तारों में यूज़ करते, उसके ऊपर प्लास्टिक की रबड़ की कोटिंग लगी होती है जिसको हम PVC बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ताकि वो करंट ना दे। वो मेटल्स जो साउंड प्रोड्यूस करती है किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करने पे, उनको बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा सोनोरस कौन होगी, ऑब्वियसली आयरन की बात है। उसके बाद करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स वो होते हैं एलिमेंट जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जैसे बात करें सल्फर की, सल्फर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो वो 2- बन जाएगा, यानी 288 लास्ट शेल पूरा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं नेचर में, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड होती है, दैट इज़ ब्रोमाइन, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं। जितनी भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब नॉन मेटल है, आर्गन गैस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेलिएबल हैं, ये मेलिएबल मीन्स शीट्स में चेंज नहीं हो सकती, तारों में चेंज नहीं हो सकती, इजिली टूट जाती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है, क्लियर। उसके बाद ये पॉइंट है, एक सारी मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्करी, और सबके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनके नॉन मेटल्स हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये अपने हाथ पे पिघल सकती हैं रखते ही। और आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, वैसे मैंने बोला था नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है। उसके बाद बोला है कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं ना, आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, कोल, कोल गैस, कोल टार, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, तो ये सब जो है ना उसमें से एक एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड, जो सबसे ज़्यादा लस्टर भी प्रोड्यूस करता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वैसे सारी सॉफ्ट होती है नॉन मेटल्स, लेकिन एक कार्बन का एलोट्रॉप, एलोट्रॉप मीन्स उसका अवरूप, वो कैसा है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। और ये जो दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर जो कुछ मेटल्स हैं लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी सॉफ्ट है नाइफ से भी कट हो सकते हैं। अभी हमने बोला था मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन यहाँ ये भी एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन वाला पूरा पेज ये वाला ध्यान से लर्न करना, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। इनकी लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। और उसके बाद है नॉन मेटल ऑक्साइड, मैंने पहले भी बताया था आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये क्वेश्चंस कर लेना। एक मेटल रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है मरकरी, नाइफ से कट हो सकती है सोडियम, ये तीनों लिखी हुई हैं यहाँ पर ऊपर ही तीनों के नाम। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी है, कॉपर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी है, दो जो आपने पढ़ी थी लेड, यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अगर मेटल्स को एयर में बर्न करोगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। कोई भी मेटल ले सकते हो, Na प्लस O2 ले लो, Na2O बनेगा, Na और O की क्रॉसिंग कराते हो, ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। Al और O2 को देखोगे तो Al2O3 बनाएंगे, यानी मेटल सारी जितनी भी हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं जो नेचर में बेसिक होते हैं, ये मैं तीसरी बार बता रही हूँ। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं जिसका कलर ब्लैक होता है, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है चैप्टर 1 में। और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, Al2O3 फॉर्मूला है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन रहा है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करें टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एक मेटल ऑक्साइड इन्होंने दिखा रखा है Al2O3, ये अगर एसिड से रिएक्ट करता है HCl से तो क्या बनाता है, AlCl3 सॉल्ट एंड वाटर। और अगर ये बेस से रिएक्ट करता है NaOH से तो भी ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, NaAlO2+H2O। सेम एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ZnO, जिंक। जिंक भी एसिड से रिएक्ट करके ZnSCl2